हाय फ्रेंड्स, तो आज हम यूनाइटेड स्टेट के तीन बड़े स्टेट्स को घूमने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे टेक्सास से, टेक्सास से फिर दो और स्टेट और आगे आगे आने वाली हर डेस्टिनेशन आपको आने वाले हर वीडियोस में पता चलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है और मैं आपको यहाँ की हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन फुल नॉलेज के साथ दिखाना चाहता हूँ। सो यू कैन सी हमारी गाड़ी तैयार है, हमारा लगेज भी अंदर तैयार है और हम अभी निकल रहे हैं। आज है डेट 24th of December, कल क्रिसमस है और आज हम छुट्टियों के लिए निकल रहे हैं टिल 2nd or 3rd of January। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जर्नी अच्छी लगेगी हमारे साथ, तो चलिए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए यहाँ खड़े हैं और आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, फिर भी इट्स सनी डे और इसलिए थोड़ा वार्म महसूस हो रहा है अगर सन में आओ तो। एंड जस्ट आवर डेस्टिनेशन इज फ्रॉम हियर अबाउट 7 to 8 hours डायरेक्ट ड्राइव करेंगे, तो बीच में खड़े रहेंगे, खाएंगे, पियेंगे, शायद 9-9.5 घंटे में पहुँचेंगे। तो दोस्तों, हम अभी जो निकले हैं वो ह्यूस्टन से निकले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे साउथ में। टेक्सास की सबसे बड़ी सिटी ह्यूस्टन है और यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। इस शहर की, ह्यूस्टन की आबादी तो मुंबई से बहुत कम है, लेकिन ये विस्तार में मुंबई से काफी बड़ा है। और इस शहर को बीच से चीर कर हम जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमारे घर से आउट ऑफ ह्यूस्टन जाने में, यानी कि ह्यूस्टन को पार करने में ही हमें करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, और वो भी इतने बड़े रोड्स पे। इतना बड़ा है ये शहर। हालांकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर घर से निकलते वक्त एक बार एक्सेलरेटर पर पांव रखा तो ब्रेक पर पांव रखने की एक भी बार नौबत नहीं आई। ब्रेक की नौबत तभी आती है जब आपको कहीं पर खड़ा होना है, क्योंकि रास्ते में कभी भी इंटरक्रॉसिंग हो या ओवरब्रिज हो, आपको साइड बाय साइड रोड मिलते जाएंगे और कहीं पर भी क्रॉसिंग या स्टक ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अमेरिका की मुझे यही बात अच्छी लगती है, जी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने 100 या 150 सालों तक का प्लानिंग किया है। हर जगह पर रोड के आसपास और बीच में भी इतनी जगह छोड़ी है कि फ्यूचर में कभी ज्यादा ट्रैफिक होता है तो ये लोग बड़े और शानदार रोड बना सके। और यही मैनेजमेंट इन लोगों की यहाँ की खासियत है। अभी दोस्तों, आपको वो जो दूर बिल्डिंग्स दिख रही है वो ह्यूस्टन का डाउनटाउन है। डाउनटाउन भी यहाँ के मैनेजमेंट का एक उत्कृष्ट नज़ारा है। यहाँ पे हर शहर में डाउनटाउन होते हैं। डाउनटाउन के बाहर के शहर में आमतौर पर स्काई क्रीपर्स नहीं होते हैं, लेकिन डाउनटाउन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है और वो सभी कॉरपोरेट होती है। और ये एक सलीके से बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के हर शहर में देखने को मिलता है। हम जिस स्टेट को ज़्यादातर एक्सप्लोर करने वाले हैं उस स्टेट का नाम है आर्कानसास। कहते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है और नेचुरल भी। अभी छुट्टियों का माहौल है, क्रिसमस आने वाला है, इसलिए रास्तों पे भीड़ भी है, क्योंकि क्रिसमस में यहाँ हर कोई अपने परिवार को मिलने जाता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली में होता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो हमारी तरह घूमने को निकलेंगे, जो 1-1 हफ्ते तक या 10-10 दिन तक छुट्टियों के कारण वो बाहर इंजॉय करेंगे। हम अब जब निकले हैं तो धूप तो दिख रही है, लेकिन इस धूप में भी गाड़ी से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाड़ी में हीटिंग है और बाहर माइनस में टेम्परेचर है। अभी आप जो ये नज़ारे देख रहे हो वो ह्यूस्टन के बाहर है। हमने अभी शहर छोड़ दिया है और ह्यूस्टन के बाहर बहुत दूर दूर ही सही, लेकिन छोटे छोटे गाँव दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ के गाँव में मुझे एक बात खास लगी। हालांकि आते जाते मैं इन गाँव में पहले भी आया हूँ, और जब भी इन गाँव से गुजरते हैं तो गाँव के बाहर हाईवेज पर उस गांव में कितनी बस्ती है, कितने लोग वहां पर बसते हैं, उसका आंकड़ा लिखा होता है। रास्तों पर गांव का नाम और उसके नीचे पॉपुलेशन लिखी होती है, और कई कई गांव की तो पॉपुलेशन 56 people, 60 people, 75 people या 45 people है। और जो जो भी गांव मैंने 1000 या 1500 से ज्यादा बस्ती वाले देखे, उसमें तो वॉलमार्ट तक की सुविधाएं होती है। हालांकि 50, 100 या 150 की बस्ती वाले गांव में वॉलमार्ट या छोटी बड़ी दुकानें नहीं होती है, बस छोटे छोटे घर होते हैं, जैसे यहां आप देख रहे हैं,
और जीवन जरूरी चीजों के लिए वो अपने आसपास किसी बड़े गांव में जाते हैं जहां से उनको सामान मिल जाए। हालांकि इन छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में गांव में परिवार कंबाइंडली एक साथ रहते हैं, संयुक्त कुटुंब है यहाँ पर। हालांकि शहरों में डिवाइडेड फैमिली है, लेकिन गांव में सब एक साथ रहते हैं क्योंकि वही इनकी जरूरत भी हो जाती है। और इन गांव में बिहाड़ों में दूर दराज पर यहाँ पर घर होते हैं, इसलिए सरकार ने यहाँ पर वेपन्स फ्री कर दिए हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कोई गन खरीदनी हो तो आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर कोई कोर्स करके एक बंदूक, एक गन, एक पिस्तौल बसा सकता है। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर रुके थे इस जगह पर। ये एक यहाँ का छोटा सा गांव है और आसपास आपको ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। वो भले ही आपको छोटे लगते हो, लेकिन उनमें हर सुविधा उपलब्ध है। हम यहाँ पर कुछ देर खाना खाने के लिए बैठे और फिर इस गांव से हम आगे बढ़े। हालांकि ठंड यहाँ पर भी बहुत है और जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इन बिटवीन द बॉर्डर टेक्सास और आर्कांसा की बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इस बॉर्डर के पास आर्कांसा शुरू हो जाएगा। वो नियरेस्ट स्टेट है टेक्सास के पास और हम वहां पे लिटिल रॉक विजिट करने वाले हैं। अभी ऑलमोस्ट 5 आवर की जर्नी पूरी हुई है और आगे 3 आवर की और जर्नी बाकी है। उसके बाद लगभग 8 घंटे के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। एंड यू कैन सी द रोड्स, वेरी एंजॉयबल। एंड ये है छोटे छोटे गांव यहाँ के, जो आते जाते पता नहीं चलता है। कुछ कुछ गांव में 50, कुछ कुछ गांव में 100, कुछ कुछ गांव में 200-300 लोगों की ही बस्ती है। दोस्तों, करीब 6 घंटे की जर्नी करने के बाद हम अभी टेक्सास के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं और अभी आर्कांसास स्टेट शुरू हो गया है। ये जो आप देख रहे हो वो है आर्कांसास स्टेट का वेलकम सेंटर। ये स्टेट के शुरू होते ही हाईवे पर है। ये एक विजिटिंग पॉइंट भी है और इस स्टेट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन इस वेलकम सेंटर से मिल जाती है। लगभग यूनाइटेड स्टेट्स में हर स्टेट के हाईवेज पर ऐसे वेलकम सेंटर्स होते हैं। यहां पर लिखा है आर्कांसास द नेचुरल स्टेट। ये लोग अपने आप को नेचुरल स्टेट कहते हैं। अब देखते हैं आगे आगे ये स्टेट कितना नेचुरल है। अभी दोस्तों हम पहुंचे हैं एक रेस्टिंग पॉइंट पर। ये एक रेस्टिंग एरिया है। रोड्स के साइड में रेस्ट करने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए या फ्रेश होने के लिए ऐसे रेस्टिंग पॉइंट बने होते हैं। I'm gonna find my meaning, I can make a change, I wanna play the game, you wanna sink or swim, I'm gonna go down.
सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर रेस्ट एरिया है। रेस्ट एरिया हर 50, 100 या 150 माइल पर यहाँ पर होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, और यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं कार्स। कुछ लोग यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं, खाना खा सकते हैं और वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखी है। आसपास में कोई गांव नहीं है, बहुत ही एकदम वीरान जगहों पर ऐसे रेस्ट एरिया होते हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं होती है। ये सभी पब्लिक के लिए होते हैं, सभी रेस्ट एरिया का एक्सेस फ्री होता है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर तक, बड़ा देश है अमेरिका, दूर दूर तक 100 माइल तक 150, 200 माइल तक छोटे छोटे गांव नहीं आते हैं। 100, 200 माइल के बाद एक छोटा गांव आपको यहाँ पे दिखेगा, इसलिए कुछ कुछ जगहों पर रेस्ट एरिया बनाने ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि लोग यहाँ पर आए, रेस्ट करें और अपनी जर्नी में बिना कोई थकावट आगे बढ़े। इतनी सारी जबरदस्त ठंड है और हम खड़े हैं यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए। कैन सी, यहाँ आने के लिए लगभग 8 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, और हम अभी पहुँचे हैं लिटिल रॉक, द कैपिटल सिटी ऑफ अरकानसा। रात हो गई है और कल सुबह जो भी करना है भाई, एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। एक धुआं उड़ाता है। नाउ फ्रेंड्स, घर से निकलने के बाद करीब 8-8.5 घंटे बीत गए हैं और हम पहुंच गए हैं अरकानसास स्टेट की कैपिटल में। ये स्टेट के बीचों बीच है, जिसका नाम है लिटिल रॉक, और हम लिटिल रॉक के इस होटल में पहुंच गए हैं। सो हाय फ्रेंड्स, अभी होटल में आ गए हैं हम लोग, और we are going to the room once again। एक कार्ड के बिना एलिवेटर पुश नहीं करेंगे। So right now we reached to the hotel, और अभी आज पूरा दिन जर्नी में गुजरा है, और अभी होटल में रुकेंगे और कल सुबह हम आउटसाइड जाएंगे, और कल क्रिसमस भी है तो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होगी जो कल हम देख सकते हैं, जो साइट सीन होगी, जो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं। लोग भी बाहर हो गए, हालांकि दिस इज़ द फैमिली फेस्टिवल, फिर भी लोग आते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं। तो चलिए कल क्रिसमस एंजॉय करते हैं इस शहर में।